हेलो एवरीवन। चलिए अब पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय चार्ल्स लैम, इसी एसे को, ये 1822 में लिखा गया था, तो इसी एसे को अब लाइन बाय लाइन जो है डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लैम के स्टाइल और लैंग्वेज के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इस वीडियो की समरी को भी डिस्कस किया है। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड मत करो, आप इसे ऑनलाइन ही देखो। इससे जो है मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प होगी और आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। अब अगर आप लोग फिर से वही डाउनलोडिंग वाला सिस्टम अपनाते हैं तो फिर से वही होगा कि वीडियोस जो हैं वो फिर बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी लॉस होता है। तो इसकी बजाय कि मैं वीडियो डालूं और आप लोग उसे फिर डाउनलोड करके देखें, तो उससे मच बेटर है कि मैं वीडियो ना ही डालूं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अपने ऐसे को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी, रेवरी होता है वॉकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम जो एक तरह से जगी हुई हालत में जो ड्रीम होता है वो ड्रीम होता है ये। और ये जो चिल्ड्रन हैं, ये चिल्ड्रन इमेजिनरी चिल्ड्रन हैं, ये रियल चिल्ड्रन नहीं हैं, तो इसीलिए इनको जो है ड्रीम चिल्ड्रन कहा गया है। अब आगे देखते हैं। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो बच्चे जो होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें स्टोरी सुनना बड़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी पसंद होता है स्टोरी सुनना, और स्पेशली अबाउट देयर एल्डर्स, उन अपने एल्डर्स के बारे में स्टोरी सुनना बड़ा पसंद होता है। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, व्हेन दे मीन्स जो एल्डर्स जब बच्चे थे, यानी उनके जो बड़े जब बच्चे थे, और उस टाइम के बारे में उनको स्टोरी सुनना पसंद होता है बच्चों को, यानी बच्चों को अपने बड़ों के बचपन की कहानियां सुनना पसंद होता है। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल, और उनको ये भी पसंद होता है कि टू स्ट्रेन देयर इमेजिनेशन टू फॉर्म इन देयर इमेजिनेशन, या आप कह सकते हो एक तरह से कि जो कल्पना के घोड़े दौड़ाना उनको बड़ा पसंद होता है। टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल, कंसेप्शन फॉर्मिंग अ विविड आइडिया, के कल्पना के घोड़े दौड़ा के एक आइडिया बनाना, एक विविड आइडिया बनाना, किसके बारे में, ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल के बारे में। ट्रेडिशनरी का अर्थ यहाँ पे किससे है, वो अंकल जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना हो, देखा ना हो जिसे, तो ऐसे किसी ग्रेट अंकल के बारे में जो मतलब फादर का भी अंकल हो या फादर के अंकल का भी अंकल हो, लाइक दैट, तो ऐसे लोगों के बारे में उनको अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा के अलग अलग तरह के आइडियाज़ फ्रेम करने में काफ़ी मज़ा आता है, उनको ये चीज़ काफ़ी पसंद होती है। और ग्रैंडेम और ग्रैंडमदर, अगर मान लीजिए ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल के बारे में या ग्रैंड मदर के बारे में, होम दे नेवर सा, जिसको उन्होंने कभी भी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना, और ऐसे लोगों के बारे में फिर वो आइडियाज़ बनाते हैं बच्चे कहानी सुन सुन के, तो वो उन्हें बड़ा पसंद होता है। इट वाज इन दिस स्पिरिट, ये इसी स्पिरिट की वजह से था कि यही वो फीलिंग थी, दैट माई लिटल वंस क्रैप्ट अबाउट मी, के जिसकी वजह से मेरे जो बच्चे थे वो मेरे पास आए,
द अदर इवनिंग मीन्स वन बिफोर द लास्ट, दैट मीन्स जो कल जो इवनिंग गई उससे भी पहले वाली इवनिंग को वो मेरे पास आए, होम सॉरी इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। इसका पूरा नाम क्या है? मैरी फील्ड। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मिसेस फील्ड, तो मैरी फील्ड। और ये ग्रैंड मदर थी चार्ल्स लैम की, ना कि इन बच्चों की। इन बच्चों की तो ये ग्रेट ग्रैंड मदर थी, और चार्ल्स लैम की ये ग्रैंड मदर थी। तो वो किससे किसकी कहानी सुनना चाहते थे? टू हियर अबाउट सुनना चाहते थे देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में, या मैरी फील्ड के बारे में, हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, जो नॉरफॉक के एक बड़े हाउस में रहती थी। अभी नॉरफॉक के ऊपर देखिए मैंने वन लिखा है, तो वन का जो इस वन का मीनिंग मैंने यहाँ नीचे इन्हीं पेजेस पे लिख दिया है। ये पेजेस में स्कैन करके पीडीएफ फाइल में आपको एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम यही पेजेस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद इनकी पीडीएफ बनाऊंगा और फिर आपको वो पेजेस जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये जो यहाँ जो वन मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि एक्चुअली वो उस जगह से रिलेटेड नहीं थी जो इसमें कहा गया है, यानी नॉरफॉक से वो रिलेटेड नहीं थी। एक्चुअली सी वॉज अ हाउस कीपर इन द रेजिडेंस ऑफ प्लमर्स इन हर्टफोर्डशायर। अब ध्यान रखिएगा कहाँ पे वो हाउसकीपर थी? प्लूमर में, हर्टफोर्डशायर में, एंड नॉट इन नॉरफॉक। नॉरफॉक में नहीं थी, रियलिटी तो थी ये, लेकिन इमेजिनेशन को भी ऐड किया है लैम ने इस चीज में, तो ये उसकी इमेजिनेशन का ही जो नतीजा है जो उसने इसमें किसको ऐड कर दिया है, नॉर फॉक को। आगे वो कहता है, 100 times बिगर देन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड। वो उस घर से बहुत ज्यादा बड़ा था जिस घर में कौन कौन रहते थे, वे बच्चे रहते थे। दे यहाँ किसके लिए आया है? उन बच्चों के लिए। एंड पापा, पापा है चार्ल्स लैम के, जिसमें मैं और वो बच्चे रहते थे। उस घर से वो काफी बड़ा था। विच हैड बीन द सीन, विच हैड बीन द सीन द एरिया ऑफ एक्टिविटी, जो एरिया ऑफ एक्टिविटी रहा है। अब देखिए, विच हैड बीन द सीन, चार्ल्स लैम जो है ये बीच बीच में कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड करता है, और उसके लिए इसने क्या है, जैसे ये हाइफन दे दिया, ये हाइफन दे दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल है। सेंटेंस हमारा यहाँ के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद। तो क्या कहता है वो, विच हैड बीन द सीन ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट्स विच दे हैड लेटली बिकम फेमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। ये चीज, ये सेंटेंस ऐसे चलेगा। तो पहले हम ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये समझ लेते हैं। सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि ये जो चीज थी कम से कम ये उस कंट्री के उस पार्ट में तो ये चीज बिलीव की जाती थी। यहाँ कंट्री से अर्थ देश नहीं है, रूरल एरिया है। रूरल एरिया जो विलेज साइड होती है उसे कंट्री कहते हैं। तो जो
ग्रामीण क्षेत्र था, उस ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम ये बात मानी जाती थी। क्या बात मानी जाती थी? कि ये एरिया ऑफ एक्टिविटी रहा है, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ होती रही हैं। कौन सी गतिविधियाँ होती रही हैं? ट्रेजिक इंसिडेंट्स, ट्रेजिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती रही हैं, विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर विद, जिनके बारे में उनको बाद में पता लगा, फ्रॉम द बैलेड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, जो चिल्ड्रन थे वुड में उनके बैलेड से। अब देखिए, ये चिल्ड्रन इन द वुड और ये जो है इसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग आप समझ लीजिए। ये स्टोरी कौन सी स्टोरी है? ये यहाँ जो पीपल को, जो लोगों को स्टोरी पता लगी है, वो स्टोरी है दो बच्चों की। ये स्टोरी है जिनको मार दिया गया था जंगल में, और मारा गया था उनके अंकल की सहमति से। उनके अंकल ने परमिशन दी थी और किसी ने उनको मार दिया। कोई हो सकता है किराए पे मर्डर ला रखे हों, उन्होंने मार दिया, या किसी ने भी मार दिया, लेकिन उनके अंकल के कहने पे वो मारे गए थे वो बच्चे, और उनको वहां जंगल में अनकवर छोड़ दिया था। मतलब उनको दफनाया भी नहीं गया, ना उनको कब्र में डाला गया, उनको ऐसे ही मार के जंगल में फेंक दिया गया। और कब तक फेंक दिया गया? लेफ्ट अनकवर्ड टिल सम रॉबिन्स टुक पिटी एंड कवर्ड देम विद डेड लीव्स। रॉबिन्स, रॉबिन पक्षी होता है, तो रॉबिन पक्षियों ने जब तक उनके ऊपर दया दिखा के उन्हें कुछ डेड लीव से कवर नहीं कर दिया, तब तक उनकी डेड बॉडीज ऐसे ही जंगल में खुले में पड़ी रही। तो ये जो स्टोरी है, इसकी वजह से ये ट्रेजिक इंसिडेंट, ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है, वो ट्रेजिक इंसिडेंट यही है कि दो बच्चों को यहाँ मारा गया था जंगल में, और उनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। सर्टेन इट इज, ये बात निश्चित है, दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन फेयरली कार्व्ड आउट इन वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। इस घर में एक काफी बड़ा हॉल था, और उस हॉल के अंदर, अब देखिए यहाँ पर जो एक बात और है जो रह गई इस स्टोरी से रिलेटेड, जो हाउस था कहाँ पर, नॉरफॉक में, वो ये माना जाता था कि इस सैड स्टोरी से वो नॉरफॉक वाला हाउस जुड़ा हुआ है। तो लैम ने क्या किया, देखिए अपनी इमेजिनेशन को कहाँ से कहाँ दौड़ाया है, कहाँ से, हर्ट फोर्डशायर से नॉरफॉक में वो आया, हर्ट फोर्डशायर से नॉरफॉक में वो अपनी एसे को ले गया, और वहां पर इस स्टोरी को इस हाउस से रिलेट करने के लिए उसने ये सारा काम किया है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी ये उस घर से जुड़ी हुई थी। अब क्या कहता है, सर्टेन इट इज दैट, ये बात तो निश्चित है कि पूरी की पूरी ये जो कहानी थी, द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पूरी कहानी, एंड देयर क्रूअल अंकल, और उनके क्रूअल अंकल की जो कहानी थी, वाज टू बी सीन फेयरली कार्व्ड, वो देखी जा सकती थी बहुत सुंदर ढंग से, उसको कार्व किया गया था। कार्व होता है जैसे उकेरना, ठीक है ना, जैसे पत्थर आदि पे वो कार्व करते हैं, कार्विंग करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से वो कार्व कर रखी थी। किसके ऊपर? कार्व्ड आउट इन द वुड, जो लकड़ी थी, अपॉन द चिमनी पीस। अपॉन द चिमनी पीस, चिमनी के ऊपर एक शेल्फ था, उस शेल्फ को जो है काट का बनाया गया था, वुड का बनाया गया था, और उस शेल्फ के वुड के ऊपर ये कहानी बिल्कुल कार्व कर रखी थी। और वो शेल्फ कहाँ थी? ग्रेट हॉल में वो शेल्फ थी। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रेस्ट्स, और पूरी की पूरी कहानी कहाँ तक लिखी गई थी? रॉबिन रेड ब्रेस्ट्स तक लिखी गई थी।
टिल ए फुलिस रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन। अब यहाँ तक तो वो कहानी लिखी हुई थी रॉबिन रेड ब्रस्ट तक तो। उसके बाद क्या हुआ, एक फुलिश रिच पर्सन ने क्या किया, पोल्ड इट डाउन टू सेट अप ए मार्बल वन ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड। इसकी जगह पे एक बेवकूफ अमीर आदमी ने क्या लगाने की सोची, मार्बल लगाने की सोची, जो कि नए युग का क्या है, एक इन्वेंशन है, खोज है। तो वो लगाने की उसने सोची और उसने फिर इसको हटवा दिया वहां से, किसको, उस वुडन पीस को वहां से, उस वुडन शेल्फ को चिमनी के ऊपर से हटवा के वहां पर जो है उसने मार्बल लगवा दिया विद नो स्टोरी अपॉन इट। और इस मार्बल के ऊपर कोई स्टोरी अब नहीं लिखी हुई थी। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डेड मदर्स लुक्स। यहां पर एलिस जो है वो अपनी हर डियर मदर्स लुक, अपनी जो उसकी जो डियर मदर थी उसकी तरह वो लुक्स देती है, यानी उसकी तरह वो एक चेहरे के ऊपर भाव लेके आती है। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग, टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग। उसका जो एंगर था, जो उसके वो लुक्स थे, वो इतने टेंडर थे, इतने जेंटल थे, टू कन्वे द एंगर शी फेल्ट, कि वो उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, उस गुस्से को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसके भाव, क्योंकि उसके भाव इतने जेंटल, इतने नाजुक थे कि वो उसके गुस्से को जो वो महसूस कर रही थी उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, हालांकि वो गुस्सा दिखाना चाह रही थी। देन आई वेंट ऑन टू से, फिर मैं कहता चला गया, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड वाज, कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड जो थी वो कितनी रिलीजियस थी, कितनी अच्छी थी, हाउ बिलवड, लोग उससे कितना प्यार करते थे, एंड रिस्पेक्टेड, और उसका कितना सम्मान करते थे, बाय एवरीबॉडी, हर किसी के द्वारा उससे, मतलब वो हर किसी को प्यारी थी और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था। दो सी वॉज नॉट इनडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, हालांकि वो इस बड़े घर की मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उसके पास तो सिर्फ उसका चार्ज था, एंड येट इन सम रेस्पेक्ट सी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, लेकिन फिर भी कुछ रेस्पेक्ट्स में, यानी कुछ कंडीशंस अगर देखें, कुछ हालात अगर देखें, तो उन बातों से उसको इस घर की मालकिन कहना भी ठीक था। कमिटेड सिवा चार्ज ऑफ बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट कमिटेड टू हर बाय द ओनर, उसके पास सिर्फ इसकी देखभाल का चार्ज था जो उसे दिया था इसके मालिक ने, यानी घर के मालिक ने, हु प्रेफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन विच ही हैड परचेज्ड समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री। एडजॉइनिंग कंट्री कोई नियर बाय विलेज था, उसमें जाके उसने ये नया घर खरीद लिया था और वो उसमें रहना अब जो है पसंद करता था। बट स्टिल, लेकिन अब भी, शी लिव्ड इन ए मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन, वो इस तरीके से इस घर में रहती थी मानो ये घर उसका खुद का अपना हो, एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन ए सॉर्ट वाइल से लिव्ड, और उसने एक अच्छे ढंग से जब तक वो जी इस घर की डिग्निटी को, इस घर की शान को, कंडीशन को बनाए रखा। विच आफ्टरवर्ड्स कम टू डिके, और वो जो चीज थी वो बाद में डिके हो गया, उसका पतन हो गया, किसका, इसकी डिग्निटी का, इसकी मेंटेनेंस का, इसकी कंडीशन का, इस घर की कंडीशन का डिके हो गया, पतन हो गया, यानी ये घर तहस नहस हो गया। एंड
वाज नियरली पुल्ड डाउन, और ये बिल्कुल लगभग लगभग गिर चुका था, ध्वस्त हो चुका था, एंड ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड एंड कैरिड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस, और इस घर के जो सारे के सारे ऑर्नामेंट्स थे यानी जो डेकोरेटिव पीसेस थे वो स्ट्रिप्ड, रिमूव्ड एंड कैरिड अवे, और उन्हें ले जाया गया, वो वहाँ से हटा लिए गए और उन्हें ले जाया गया इस ओनर के दूसरे घर में, वेयर देवर सेटअप, जहाँ पर उनको लगाया गया, एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ समवन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टूम्स, इट इज नॉट टॉम्स, इट इज टूम्स, ओल्ड टूम्स दे हैड सीन लेटली एट द एबे। एबे जो है ये एक जगह का भी नाम है और एक ये चर्च का भी नाम है। तो ये क्या कहता है कि जो ये चीज़ें ले जाई गई वो इतनी ऑकवर्ड लगती थी वहाँ पर, वो इतनी ऑकवर्ड लगती थी कि मानो एबे से पुरानी कब्रों को लाके वहाँ पर रख दिया गया हो। एंड स्टिक देम अप इन लेडी सीज टार्डी गिल्ट ड्राइंग रूम, और उनको स्टिक कर दिया गया, लगा दिया गया लेडी सीज। अब ये लेडी सी कौन है? ये है एक इमेजिनरी लेडी है और वो फैशनेबल है, फैशनेबल इमेजिनरी लेडी, लेडी सीज। तो उस लेडी के टार्डी गिल्ट ड्राइंग रूम में, टार्डी गिल्ट डेकोरेशन इन ए शोवी एंड वल्गर मैनर। देखिए डेकोरेशन सोफेस्टिकेटेड हो वही अच्छी लगती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अगर कर दिया जाए डेकोरेशन को भी तो वो भी भद्दी लगती है। तो ऐसी भद्दी वो डेकोरेशन वाला ड्राइंग रूम था, किसका? लेडी सी का। हियर जॉन स्माइल्ड, यहाँ पर जॉन मुस्कराया, एज मच एज टू से, और मानो वो कहना चाहता था दैट वुड बी फुलिश इंडीड, कि ये तो बेवकूफ़ी भरी बात थी। एज मच एज टू से, ये इस बात को कहने के लिए वो मुस्कराया। एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन सी केम टू डाई, और फिर मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से जब वो मरी, हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय ए कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू। कॉन्कोर्स होता है बिग गैदरिंग, बहुत सारे लोग एक साथ हों। तो ये कहता है कि मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से उसके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, गरीब भी, जेंट्री से भी, ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स राउंड, कई मील तक के, आसपास के कई मीलों तक के लोग उसके फ्यूनरल में इकट्ठा हुए, टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमरी। और वो क्या चाहते थे? वो उसकी याद में अपनी जो रेस्पेक्ट थी वो दिखाना चाहते थे, बिकॉज सी हैड बीन सच ए गुड एंड रिलीजियस वुमेन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और अच्छी लेडी रही थी। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द प्लेस्ट्री बाय हार्ट, वो इतनी अच्छी थी वास्तव में कि उसे पूरी की पूरी प्लेस्ट्री याद थी। प्लेस्ट्री होता है द डिवोशनल वर्सेस प्रिंटेड इन द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। कॉमन प्रेयर में जो डिवोशनल वर्स, जो डिवोशनल पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं, जो प्रिंट की हुई हैं, वो पूरी बुक इसको याद थी, प्रेयर वाली। ए एंड ए ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामोनियल बिसाइड्स, और इसके साथ साथ बाइबल का भी एक अच्छा हिस्सा उसको याद था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, यहाँ पर जो लिटिल एलिस थी उसने सरप्राइज दिखाया। Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother Field once was. फिर मैंने उन्हें बताया कि उनकी जो great grandmother Field थी वो कभी बहुत ही ज़्यादा लंबी, सीधी,
इरेक्ट का यहाँ अर्थ है मतलब जैसे बैंड नहीं हुई हो, जो बुढ़ापे की वजह से मुड़ी नहीं थी, ग्रेसफुल मतलब जिसमें एक ग्रेस था, चार्म थी, वो ऐसी लेडी रही थी। एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और वो अपनी जवानी में समझी जाती थी एक बहुत ही बढ़िया डांसर। हियर एलिस लिटिल हियर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवोलंट्री मूवमेंट। यहाँ पर एलिस का जो राइट फुट था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फुट था, राइट था कि लेफ्ट था, तो डेंजरस क्वेश्चन बन सकता है अगर किसी ने अंदर से नहीं पढ़ा है तो, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एलिस का जो राइट फुट था वो अपने आप इनवोलंट्री यानी अपने आप वो मूवमेंट करने लगा, यानी वो थोड़ा सा डांस के उसमें बात सुन के वो भी राइट फुट को डांस के मूवमेंट में हिलाने लगी। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, कब तक, जब तक कि मैंने उसको थोड़ा सा गंभीर तौर से मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। इट स्टॉप्ड, यानी उसका पैर जो था वो रुक गया। द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग, मैं फिर यही कह रहा था कि बेस्ट डांसर थी वो इन द कंट्री, इस ग्रामीण क्षेत्र में। टिल अ क्रूअल डिजीज कॉल्ड ए कैंसर केम एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, जब तक के उसे कैंसर नहीं हुआ, एक क्रूअल डिजीज थी ये कैंसर की, ये कैंसर जब उसे हो गया और कैंसर ने उसको बोर्ड डाउन कर दिया, झुका दिया दर्द की वजह से। बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट्स, लेकिन ये उसकी गुड स्पिरिट्स को बैंड नहीं कर पाया और मेक देम स्टूप, और ना ही उन्हें कुबड़ा कर पाया यानी झुका पाया। दैट मीन्स जो बीमारी थी उसने उसको फिजिकली भी कर दिया था, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली वो बीमारी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को कमजोर नहीं कर पाई थी। बट दे वर स्टिल अपराइट, लेकिन अब भी वो चीज़ें अपराइट थी, सीधी थी, इरेक्ट थी। कौन कौन सी चीज़ें? उसकी स्पिरिट, उसकी फीलिंग्स, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, वो अब भी बिल्कुल इरेक्ट थी। बिकॉज सी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी और धार्मिक टाइप की लेडी थी। देन आई टोल्ड हाउ शी वॉज यूज टू स्लीप बाय हर सेल्फ इन ए लोन चैम्बर ऑफ ग्रेट लोन हाउस। मैंने उन्हें बताया कि वो किस तरह से इस बड़े से घर के एक अकेले कमरे में अकेली सोती थी। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन एपरिशन घोस्ट घोस्ट ऑफ टू इन्फेंट्स इन्फेंट्स चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन वाज टू बी सीन एट मिडनाइट ग्लाइडिंग अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेयर केस नियर वेयर सी स्लेप्ट। और वो ये भी मानती थी कि जहां पे वो सोती थी वहां उसके नजदीक जो स्टेयर केस थी, उस स्टेयर केस पे उन दोनों बच्चों के भूतों को ऊपर नीचे आते जाते देखा जा सकता था। कौन से दोनों बच्चे? जो मार दिए गए थे उनके अंकल के कंसेंट पर, और उनकी डेड बॉडीज को जंगल में बिना दफनाए ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उन बच्चों के भूत उन सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देते थे। लेकिन सी सैड, वो उसने कहा, दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, कि वो जो इनोसेंट बच्चे थे, इनोसेंट बच्चों का जो भूत था वो उसे कोई हार्म कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी, और मैं किस तरह से डर जाता था, दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, और हालांकि उन दिनों में मेरी मेड मेरे साथ सोती थी, जो मेरी नौकरानी थी वो मेरे साथ सोती थी,
वो मुझे संभालने वाली जो नर्स थी, आया जो थी, वो मेरे साथ सोती थी, लेकिन फिर भी एक बच्चे के रूप में मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज सी, क्योंकि मैं जितनी मेरी दादी जो थी, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, नानी दादी जो भी थी, वो जितनी अच्छी और धार्मिक थी, जितनी अच्छी और रिलीजियस थी, उसके तो आधे के मुकाबले भी मैं अच्छा और धार्मिक नहीं था। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, और लेकिन फिर भी मुझे कभी भी वो बच्चे दिखाई नहीं दिए, यानी उन बच्चों का भूत मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो इस पार्ट में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के वीडियो को जारी रखेंगे, इस आगे के पार्ट को जारी रखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आज ही आएगा इस वीडियो के तुरंत बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।